चिल्ड्रन वी हैव स्टार्टेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसमें वी हैव रेड द फर्स्ट पैराग्राफ, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द सेकेंड पैराग्राफ। द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डन बाय एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। जो ड्राफ्टिंग थी कॉन्स्टिट्यूशन की वो करी गई थी एक असेंबली जो जिसके रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करे गए थे, और उस असेंबली को बुलाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946, और इस असेंबली के लिए इलेक्शंस कब हेल्ड करे गए थे, इन जुलाई 1946। दिस डेट इज़ इम्पोर्टेंट, ओके, कि कब इलेक्शंस हेल्ड करे गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, इन जुलाई 1946, और इसकी फर्स्ट मीटिंग हेल्ड करी गई थी दिसंबर 1946 में। तो जुलाई 1946 में इलेक्शंस हेल्ड करे गए थे और दिसंबर 1946 में उसकी फर्स्ट मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। सून आफ्टर द कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू इंडिया एंड पाकिस्तान, और थोड़े टाइम बाद ही द कंट्री वॉज डिवाइडेड इन टू इंडिया एंड पाकिस्तान। The Constituent Assembly was also divided into the Constituent Assembly. Sorry, the Constituent Assembly was also divided into the Constituent Assembly of India and Pakistan. अब जब country ही divide करी गई थी तो Constituent Assembly भी divide कर दी गई थी। एक थी Constituent Assembly of India और एक थी Constituent Assembly of Pakistan. The Constituent Assembly that wrote the Indian Constitution had 299 members. जिस Constituent Assembly, जो Constituent Assembly जिसने इंडिया की Constitution लिखी थी उसमें 299 members थे। The Assembly adopted the Constitution on 26th November 1949. But it came into effect on 26th January 1950. To mark this day, we celebrate January 26th as Republic Day every year. Now, जो हमारी constitution लिखी थी उसमें इसे उसकी constituent assembly में 299 members थे, और इसको adopt करा गया था 26th November 1949 में, पर ये इफ़ेक्ट मतलब इसका लागू कब से होना चालू हुआ, ऑन 26 जनवरी 1950। और इस डे को मार्क करने के लिए हम लोग मनाते हैं रिपब्लिक डे एवरी ईयर, क्योंकि उसी दिन हम लोग ने कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया था। नाउ दिस इज़ अ वेरी रेलेवेंट पॉइंट, Why should we accept the constitution made by this assembly more than 6 decades ago? मतलब more than 60-70 years ago जो constitution बनी थी by this assembly, हम उसको क्यों माने, हम उसको क्यों accept करें? We have already noted one reason above. The constitution does not reflect the views of the members alone. It expresses a broad consensus of its time. अब ये जो क्वेश्चन है कि हम 60-70 ईयर्स पुरानी हम कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों एक्सेप्ट करें, एक रीज़न ये है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सिर्फ उस मेंबर्स के व्यूज़ के झलक नहीं है, ये व्यूज़ हैं उस टाइम का, उस टाइम के कंसेंसस का, ब्रॉड कंसेंसस ऑफ इट्स टाइम। सो दिस ब्रॉड कंसेंसस इज़ अ की वर्ड ओवर हेयर, ओके। Many countries of the world have had to rewrite their constitution afresh because the basic rules were not acceptable to all major social groups or political parties. दूसरी countries में of the world कई को अपनी constitution को फिर से लिखना पड़ गया था, just because उसके जो basic रूल्स थे वो सबको एक्सेप्टेबल नहीं थे, हर सोशल ग्रुप को एक्सेप्टेबल नहीं थे या पॉलिटिकल पार्टीज़ को। इन सम कंट्रीज़ द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट एज अ मेयर पीस ऑफ पेपर, और कई कंट्रीज़ में तो कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर के लिए एग्जिस्ट करता है।
नो वन एक्चुअली फॉलोज इट, मतलब कोई उसको फॉलो नहीं करता है. द एक्सपीरियंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफरेंट, पर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक्सपीरियंस रहा है वो डिफरेंट रहा है. वो ऐसा दो जो हमने एग्जांपल्स करे लाइक एक की रीराइट करनी पड़े या दूसरे एक सिर्फ पीस ऑफ पेपर बन के रह गए, ऐसा नहीं है. पर हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सपीरियंस है वो डिफरेंट है. ओवर द लास्ट हाफ ऑफ अ सेंचुरी सेवरल ग्रुप्स हैव क्वेश्चन्ड सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और ओवर द लास्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी मतलब इन दीज 50 ईयर्स, जो कई ग्रुप्स ऐसे हैं जिन्होंने कई प्रोविजंस को क्वेश्चन कराया कॉन्स्टिट्यूशन के लिए. कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो क्वेश्चन करे गए हैं, बट नो लार्ज सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी हैज़ एवर क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट्सेल्फ. बट कोई भी सोशल, कोई भी बड़ा सोशल ग्रुप या पॉलिटिकल पार्टी ने कभी भी क्वेश्चन नहीं करा लेजिटिमेसी, मतलब कि वो सब लीगल है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट्सेल्फ. मतलब कई ऐसे प्रोविजंस हैं जो क्वेश्चन करे गए हैं, बट किसी भी लार्ज सोशल पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी ने कभी क्वेश्चन नहीं करा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन मतलब सही है, लीगल है, हर चीज़ सही है, ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है. दिस इज़ एन अनयूजुअल अचीवमेंट फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशन. और ये एक अनयूजुअल अचीवमेंट है, मतलब ये ऐसा बहुत जल्दी अचीव नहीं हो सकता. अभी हमने पढ़ा कि कई सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिसमें कोई मानता नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन को वगैरह वगैरह, बट हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का अलग ही किस्सा है. ऐसा कभी भी कुछ नहीं हुआ, दिस इज़ एन अचीवमेंट ना. ये तो एक पॉइंट हो गया कि किसी भी उसने क्वेश्चन नहीं करा है लेजिटिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और दूसरा पॉइंट क्या है, द सेकेंड रीज़न फॉर एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेटेड द पीपल ऑफ इंडिया. अब सेकेंड रीज़न एक्सेप्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो रिप्रेजेंट करती थी पीपल ऑफ इंडिया को. देर वॉज नो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एट दैट टाइम, सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली could not have been chosen directly by all the people of India. उस टाइम पर तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज थी नहीं, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं थी. तो उस टाइम पर उनके पास चॉइस थी कि वो पीपल ऑफ मतलब इलेक्शंस ना हेल्ड करें. इट वॉज इलेक्टेड मेनली बाई द मेम्बर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स दैट वी मैंशनड अबव. एज उस टाइम पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज थी नहीं, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं थी, और उस टाइम पे जो लोग थे वो भी डायरेक्टली चूज ही नहीं कर सकते, बिकॉज देर वॉज नो वोटिंग लिस्ट, देर वॉज नो एंड इलेक्शन कमीशन, कुछ ऐसा कुछ तो था ही नहीं. तो क्या करा गया, जो भी मेम्बर्स थे एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के, जो हम लोग ने पहले मेंशन करा है, वो इलेक्ट करे गए थे. ओके, मतलब उन लोगों ने इलेक्ट करा था मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को. दिस इंश्योर्ड अ फेयर ज्योग्राफिकल शेयर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ऑल द रीजन्स ऑफ द स्टेट. और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटर्स के जो मेंबर्स थे, क्योंकि उन लोग ने इलेक्ट करा था, तो इसने एक ये चीज़ श्योरिटी दी कि एक फेयर ज्योग्राफिकल शेयर होगा, मतलब हर रीजन से मेंबर्स इलेक्ट करे जाएंगे. फेयर ज्योग्राफिकल शेयर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ऑल द रीजन्स ऑफ द कंट्री. द असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाई द इंडियन नेशनल कांग्रेस. और जो असेंबली इलेक्ट करी गई थी उसमें ज़्यादातर लोग कौन थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, द पार्टी दैट लेड इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल. और यही पार्टी थी, कांग्रेस ही पार्टी थी जिसने लीड करा था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को भी. बट दी कांग्रेस इट्सेल्फ इंक्लूडेड अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड ओपिनियंस. बट उस टाइम पे कांग्रेस भी जो थी उसमें कई सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स और उनकी ओपिनियंस भी थी. द असेंबली हैड मैनी मेम्बर्स हु डिड नॉट अग्री विद द कांग्रेस. और असेंबली में कई ऐसे भी मेम्बर्स थे जो कांग्रेस के साथ अग्री नहीं करते थे. इन सोशल टर्म्स टू, द असेंबली रिप्रेजेंटेटेड मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप्स कास्ट
क्लासेस, रिलीजन एंड ऑक्यूपेशंस. और अगर ये तो हो गई ओपिनियंस के बारे में बात, अब हम करते हैं सोशल टर्म्स के बारे में बात. जो सोशल टर्म्स में थे उसमें भी असेंबली डिफरेंट लैंग्वेजेस, ग्रुप्स और क्लासेस, रिलीजन्स, ऑक्यूपेशंस ये रिप्रेजेंट कर रही थी. इवन इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज इलेक्टेड बाई यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इट्स कॉम्पोजिशन वुड नॉट हैव बीन वेरी डिफरेंट. अभी हमने बात करी कि ये जो इलेक्ट करी गए थे वो एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इलेक्ट करा था. बट अगर हम उस टाइम पे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू भी इलेक्शंस हेल्ड करते तो भी ये जो कॉम्पोजिशन था ये कुछ डिफरेंट नहीं होता, ये वैसे का वैसा ही रहता. क्योंकि तब भी ओपिनियंस में डिफरेंस होता एंड तब भी जो सोशल ग्रुप्स हैं वो रहते. फाइनली द मैटर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड गिव सैंक्टिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन. बट जो पॉइंट मैटर करता है कि किस हिसाब से, किस मैनर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम करा है वो एक सैंक्टिटी देता है, मतलब एक वो अच्छापन देता है, यू नो प्योरिटी देता है कॉन्स्टिट्यूशन को. The Constituent Assembly worked in a systematic, open and consensual manner. Constituent Assembly ने बहुत systematically, openly और consensually manner में काम करा. First, some basic principles were decided and agreed upon. पहले कुछ basic principles को decide करा गया और उस पर सब लोग ने agree करा. Then a drafting committee chaired by Dr. B.R. Ambedkar prepared a draft constitution for discussion. फिर एक drafting committee बैठाई गई जिसका head, जिसको chaired, मतलब chairperson was Dr. B.R. Ambedkar और उन्होंने एक draft constitution बनाया discussion के लिए. अगर आप draft basically तब बनाया जाता है जब आप उसको fair out करने वाले हो, मतलब आपने You basically have to start from scratch, okay? Suppose आपको एक composition लिखना है, अगर composition लिखने से पहले आप उसमें सारे points include करोगे, फिर आप उसको पढ़ोगे, फिर आप उसमें corrections करोगे, okay? जब आप उसमें corrections कर लोगे, उसको discuss कर लोगे कि हाँ मेरे सारे points सही हैं, वो सारे points stand out कर रहे हैं, तभी आप उसको फेयर में कॉपी करोगे. अगर आपको पब्लिश करना है, ओके, अगर आपको पब्लिश करना है तो आप उसमें कुछ गलतियां नहीं कर सकते हो, उसको आपको 100% श्योर और करेक्ट करना ही पड़ेगा. तो वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी था, एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन निकाला गया कि भैया इसमें जो करेक्शंस होने हैं कर लो, इसमें जो डिस्कशन करना है कर लो, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगी तब कम से कम चेंजेस हों उसमें, ओके, और गलती की कोई गुंजाइश ना रहे. तो इसीलिए एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन निकाला गया था डिस्कशन के लिए. सेवरल राउंड्स ऑफ थरो डिस्कशन टुक प्लेस ऑन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन और कई सारे राउंड्स चले जिसमें डिस्कशन हुआ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पर, क्लॉज बाय क्लॉज, मतलब हर एक क्लॉज पर डिस्कशन हुआ था. मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वर कंसिडर्ड, 2000 से ज़्यादा अमेंडमेंट्स, मतलब उसमें करेक्शंस करे गए थे उस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में, ओके. द मेंबर्स डेलिब्रेटेड फॉर 114 डेज स्प्रेड ओवर 3 ईयर्स. अब जो मेंबर्स थे उन्होंने डेलिब्रेट करा 114 दिन के लिए विद अ स्प्रेड ओवर ऑफ 3 ईयर्स, ओके, मतलब 3 साल से ज़्यादा उन्होंने काम करा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में. एवरी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड एंड एवरी वर्ड स्पोकन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज़ बीन रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व्ड. हर डॉक्यूमेंट जो प्रेजेंट करा गया था और हर एक शब्द जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बोला गया था उसको रिकॉर्ड करा गया है और उसको संभाल के रखा गया है. These are called Constituent Assembly Debates और इनको बोला जाता है Constituent Assembly Debates. When printed, these debates are 12 bulky volumes. Volumes का तो मतलब पता होगा आपको, like volume 1, volume 2. Basically जब एक ही चीज़ के आपके पास दो books होते हैं, क्योंकि अगर आप एक book में कर दोगे तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी,
ओके सो इट्स कन्वीनियंट टू डू इन टू और मोर. अब इसकी जैसे 12 वॉल्यूम्स निकली थी, मतलब 12 बुक्स निकली थी जिसमें सिर्फ डिस्कशन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे, और इट वॉज टाइटल्ड एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स. These debates provided the rationale behind every provision of the constitution. और ये कोई भी provision जो constitution में include करा गया है, अगर आपको जानना है क्यों, then you can look into these constituent assembly debates. These are used to interpret the meaning of the constitution. और ये debates use करी जाती हैं कि interpret मतलब और समझा जाए constitution के मतलब को. So children, we have done the constituent assembly wala part. Children, the question for the worksheet will be, why should we accept the constitution made by the constituent assembly more than 6 decades ago? Okay, so this is the question for the worksheet. Now in this question, what points will you include in the answer of this? Pehle toh you will include this, okay? It expresses a broad consensus of that time. Then in your own words you will write this, okay? Ye jo lot hai pura ye point, ye aap apne points mein likhoge, okay? I will not dictate the answer. I'm just telling you the keywords, okay? ये तो आप अपने पॉइंट्स में लिखोगे. देन यू विल राइट दैट नो सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी हैज़ एवर क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ. दिस इज़ एन अनयूजुअल अचीवमेंट फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशन. या आप इसको हटा दो, दैट दिस इज़ एन अनयूजुअल, दिस पॉइंट इज़ नॉट ओके. क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, सिर्फ यहीं तक लिखना होगा. Then the second point will include the constitution is that the second reason for accepting the constitution is that the constituent assembly represented the people of India. Though there were no adult universal adult franchise, but the existing members of the provincial legislatures elected the members for the constituent assembly. You will write till here only, okay? Or first point मैं आपको खुद include करना है. So only I am giving you one question for the worksheet. Hope you all do this and revise this whole, okay? I am not giving you questions, but this does not mean that you won't revise. Please read till here, okay? We will start with guiding values of the Indian Constitution in the next video.